हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आज के ऑनलाइन क्लास को कंटिन्यू करते हुए क्लास 12H हिंदी माध्यम सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 7 आज से न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग लेसन 7 विकास एवोल्यूशन। लास्ट क्लास में मैंने या पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने लेसन 16 पर्यावरण संबंधी मुद्दे पढ़ाए। पर्यावरण संबंधी मुद्दे में मैंने पॉल्यूशन यानी प्रदूषण उसके प्रकारों को बताया और ग्रीन हाउस प्रभाव बताया, ओजोन परत का महत्व बताया, ओजोन परत के नष्ट होने के कारण बताया, अम्ल वर्षा के बारे में बताया। एक टॉपिक और था ग्लोबल वार्मिंग। चैप्टर 16 का है बच्चों ये ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मैंने होता पृथ्वी, वार्मिंग मैंने होता उसका गर्म होना या जलना। तो ग्लोबल वार्मिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का आवश्यकता से अधिक गर्म होना। जब मानव क्रियाकलाप के कारण, वायु प्रदूषण के कारण और विकिरण प्रदूषण के कारण अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जमा होती जा रही है। हम सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण को गर्म करने का काम करती है। जब CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वातावरण का तापमान या पृथ्वी का तापमान लगातार आवश्यकता से अधिक बढ़ता जा रहा है। तो पृथ्वी के या वातावरण के तापमान में होने वाली वृद्धि को यह टॉपिक छोड़ गया था आप लोगों का 16 चैप्टर का। फिर है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, किन कारणों से ग्लोबल वार्मिंग होती है यानी आपके पृथ्वी का तापमान किन कारणों से बढ़ सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का पहला कारण वायु प्रदूषण, दूसरा कारण विकिरण प्रदूषण, तीसरा कारण जनसंख्या वृद्धि, चौथा कारण वृक्षों की कटाई, पांचवा कारण जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला पेट्रोलियम इनको जलाने से CO2 की मात्रा बढ़ती है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। फिर एक कारण के बाद बच्चों ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय, रोकने के उपाय। तो जो कारण है उसी पे हम रोक लगा देंगे। पहला कारण वायु प्रदूषण को रोकेंगे, दूसरा विकिरण प्रदूषण पे रोक लगाएंगे, तीसरा जनसंख्या वृद्धि पे रोक लगाएंगे, चौथा वृक्षारोपण करेंगे, पांचवा वृक्षों की कटाई पर रोक लगाएंगे, छठवा जीवाश्म ईंधनों का कम से कम उपयोग करेंगे। इस टॉपिक की पिक मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर पे भेज दी है बच्चों। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप लोग कॉपी में इसको नोट करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण परिणाम क्या क्या होते हैं, दुष्परिणाम। ग्लोबल वार्मिंग का कुप्रभाव, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या कुप्रभाव होता है। सबसे पहला वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, दूसरा CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, तापमान बढ़ता है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, वातावरण गर्म हो जाएगा, जीव जंतु गर्मी से नष्ट हो जाएंगे, चौथा O2 की कमी हो जाएगी, और पांचवा वातावरण के गर्म होने से ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ पिघल जाएगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। तो ये कुप्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग को। पहला वातावरण का तापमान बढ़ जाएगा, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, तापमान वातावरण अत्यधिक गर्म हो जाएगा, जीव जंतु गर्मी से मर जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जीव जंतु दम घुटने से मर जाएंगे, और पांचवा है कि ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ पिघल जाने से समुद्र का पानी स्तर बढ़ जाएगा और पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। तो ये टॉपिक मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पिक सेंड कर दिया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज हम सर लेसन 7। ये आप लोगों का
इसका पहला टॉपिक है बच्चों ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बारे में। किसे कहते हैं ब्रह्मांड, या क्या होता है ब्रह्मांड? ब्रह्मांड या पृथ्वी के चारों ओर का अनियंत्रित भाग जिसकी कोई सीमा नहीं है, जहां तक देखो पूरा आसमान आसमान या अंतरिक्ष दिखाई देता है, वो सारा चीज क्या कहलाता है बच्चों? ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैला हुआ है। कहां तक है ब्रह्मांड? 10 अरब प्रकाश वर्ष दूरी तक फैला है इसका क्षेत्र। प्रकाश वर्ष जो होता है बच्चों, ये अंतरिक्ष ग्रहों उपग्रहों उल्काओं धूमकेतु केतु पिंडों पृथ्वी चंद्रमा सूर्य इनके बीच की दूरी को नापने की इकाई हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो हमारा ब्रह्मांड लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैला हुआ है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार इसकी आयु 20 अरब वर्ष मानी गई है। ब्रह्मांड की आयु कितनी है बच्चों? 20 अरब वर्ष आयु। ब्रह्मांड की आयु 20 अरब वर्ष है। ब्रह्मांड के लगभग 1,00,000 आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगाओं की संख्या कितनी है? आकाश गंगाएं लगभग 1,00,000। अब आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो बच्चों तारे के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। आप रात्रि के समय जब आसमान में आप देखते हैं तो कई जगहों पर तारों का ऐसा ग्रुप समूह पाया जाता है, गुच्छा पाया जाता है, ठीक है? तो तारों के समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं। तो एक ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं? लगभग 1,00,000,000 आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। तथा एक आकाश गंगा में हमने पढ़ा था तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा। एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं? 10,000,000,000। मिलियन तारे होते हैं, ठीक है? तो ब्रह्मांड कितनी दूर तक फैला हुआ है? 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी में फैला हुआ है। ब्रह्मांड की आयु लगभग 20 अरब वर्ष है और ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं? लगभग 1,00,000,000 आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगा किसे कहते हैं? तारों के समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं। एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं? लगभग 10,000,000,000 तारे पाए जाते हैं। आकाश गंगा के ही भाग को हम सौर परिवहन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सौर परिवहन। सौर परिवहन आकाश गंगा के एक भाग को सौर परिवहन कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का एक भाग जो सर्कुलर या वृत्ताकार होता है, अंडाकार होता है, परिवार या सौर समूह कहते हैं। हमारे सौर परिवार में सूर्य को लेकर 9 ग्रह हैं। सूर्य हमारे सौर परिवार में क्या होता है बच्चों? मुखिया, मेन बॉस है ये। इसके अलावा 9 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण एंड और यम। तो हमारा
ग्रह माने गए हैं? आठ ग्रह माने गए हैं। इसके अलावा हमारे सौर परिवार में ग्रहों के अलावा उपग्रह पाए जाते हैं। बच्चों ये सारे ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर, बीच में ऐसे सूर्य होता है और सूर्य के चारों ओर ऐसे अंडाकार कक्ष बनाए पाए जाते हैं। इसमें क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी ये सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपनी अक्ष पर भी घूमते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए पृथ्वी हूँ तो मैं सूर्य के चारों ओर तो घूमूंगा ऐसे करके, पर अपने ही अक्ष में भी ऐसे ऐसे घूमूंगा। यानी जितने भी ग्रह हैं वो अपने अक्ष में भी घूमते हैं और अपने अक्ष में घूमते 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 सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ग्रहों के अलावा इन ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। समझ में आया बच्चों? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को हम ग्रह कहते हैं और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, इसके अलावा मंगल और अरुण का दो उपग्रह है, फिर वरुण का करीबन पांच उपग्रह माने गए हैं या होते हैं, शनि के नौ और सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के 12 उपग्रह। ठीक है, तो जो ग्रहों के चारों चक्कर लगाएगा उसको हम उपग्रह कहते हैं। तो ये आज का टॉपिक यहां से कंप्लीट हुआ। थर्ड टॉपिक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब ब्रह्मांड बना कैसे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़े। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों को कहना था, इमैत्री नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया कि प्रारंभ में अंतरिक्ष में एक गैस का गोला था या गैसों का बादल था जो अत्यधिक गर्म था, ठोस व तप्त था, गर्म आदि गैस का बादल या गोला था। इस बादल या गोले को इलेन कहते हैं। ये नाम जरूर याद रखना है बच्चों, इलेन, क्योंकि इलेन नामक इस गैस के बादल से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रारंभ में अंतरिक्ष में एक गैस का बड़ा सा गोला था, वो गैस के गोले का नाम उन्होंने इलेन दिया या आदि गैस का गोला जो अत्यधिक तप्त था। इस गैस के गोले के अंदर के कण आपस में टकरा गए, इन टकराने के कारण इस गैस के बादल में तेज धमाका हुआ, ब्लास्ट हो गया और वो बादल विस्फोट के कारण फैल गया। यानी ये गैस का गोला था, जब इस पर ब्लास्ट हुआ तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में फैल गया और ये गैस नामक गैस का गोला जितने दूर तक फैला उतने दूर तक अनलिमिटेड ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो इलेन नामक गैस के बादल के विस्फोट के सिद्धांत को बिग बैंग धमाका कहते हैं। बिग बैंग धमाका के अनुसार ही बताया वैज्ञानिकों ने कि इलेन नामक जो गैस का गोला था उसके कणों में आपस में टक्कर हो रही थी, जिसके कारण उन टक्करों से ये गैस का गोला ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होने के या विस्फोट होने के कारण इसके कण दूर दूर तक फिका गए, बिखर गए और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उन्हीं कणों से ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, ग्रहकाएं आदियों का निर्माण हुआ। उसी गैस के टुकड़ों से हमारा सूर्य बना, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण और नेपच्यून का निर्माण हुआ। तो इस बड़े धमाके को ही कहते हैं हम बिग बैंग। नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? जिस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इलेन नामक गैस का गोला टूटा, वो जैसे ही एक बड़ा इलेन गैस का टुकड़ा टूटा सब तरह, तब क्या बने बच्चों?
ग्रह का निर्माण हुआ। इस ग्रह के टुकड़े को नेबुला नाम दिया। लाप्लासा नामक वैज्ञानिक ने बोला कि इलेन का गैस का गोला जब टूटा बिग बैंग धमाके के कारण, तो जो टुकड़े बने उस टुकड़े को उन्होंने नेबुला नाम दिया। और इसी नेबुला के टूटने से फिर ग्रह और उनके टूटने से उपग्रह का निर्माण हुआ। इस तरह से नेबुला के ब्लास्ट होने से या नेबुला के द्वारा पृथ्वी या पूरे 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। तो यह था पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन कैसे प्रारंभ हुआ पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आज से 350 से 400 मिलियन वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई। सॉरी, मिलियन करोड़ वर्ष, 350 से 400 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हुआ। यानी सबसे पहला जीव पृथ्वी पर कब प्रारंभ उत्पन्न हुआ, 350 से 400 करोड़ वर्ष पहले। और पृथ्वी के किस भाग पर जीवन प्रारंभ हुआ, ऑब्जेक्टिव एक्सर क्वेश्चन पूछता है बच्चों, तो यह सबसे पहले जीवन जल में प्रारंभ हुआ। यानी पृथ्वी इलेन नामक गैस का गोला थी, उसका एक टुकड़ा थी, यह टुकड़ा भी जल रहा था, गर्म गोला था, छिटक रहा था यहाँ वहाँ, जिससे कि ग्रह के उपग्रह बने, धूम केतु का निर्माण हुआ और उल्काएं ग्रहिकाओं का निर्माण हुआ। करोड़ों वर्ष लग गए बच्चों पृथ्वी को ठंडा होने में। जब ठंडा हुई पृथ्वी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, तो क्या बना है वो जल। यह जल पृथ्वी पर किस सतह पर टकरा रहा था, गर्म होकर भाप बनकर उड़ जा रहा था, फिर वो पानी के रूप में गिर रहा था पृथ्वी पर, फिर भाप बनकर उड़ जा रहा था। जैसे आप लोग देखते हो गर्म तवा पर जब पानी मारते हैं तो वो पानी भाप बनकर उड़ता है, ठीक इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ रहे थे, जल बन रहा था। वो जल पृथ्वी की सतह पर टकरा रहा था, भाप बनकर उड़ रहा था, गर्मी को लेकर चला जा रहा था। करोड़ों वर्ष बाद धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और पृथ्वी पर जल एकत्रित हो गया और सबसे पहला जीव जो बना वो पृथ्वी के जल पर बना। तो जीवन का प्रारंभ कहाँ पे हुआ है, पृथ्वी में जल पर हुआ। ये आप लोगों को बताना। इसके अलावा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। पहला सिद्धांत था अलग अलग सिद्धांत स्वतः जनन का सिद्धांत, स्वतः जनन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी पर जीवन अपने आप हुआ, जीव अपने आप स्वतः उत्पन्न हो गए। हेल्टमांड नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यदि हम मनुष्य के पसीने से भीगी हुई कमीज को गेहूं के डिब्बे के अंदर बंद करके अंधेरे कमरे में रख दें तो 21 दिनों में जीव उत्पन्न हो जाते हैं, यानी चूहा उत्पन्न हो गया था। तो स्वतः जनन मानने वाले सिद्धांत के वैज्ञानिक ने कहा कि जीव अपने आप पैदा हुए। सेकेंड नंबर है दिस इज सृजन सिद्धांत, के मानने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी पर जीवन एक विशिष्ट या दैवीय शक्ति जिसको हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उनके कारण उत्पन्न हुआ है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी जीवन जो है 6 दिनों में, या जीवन की उत्पत्ति 6 दिनों में हुई। पहले दिन में आकाश का निर्माण हुआ, पहले दिन में पृथ्वी और स्वर्ग का निर्माण हुआ, दूसरे दिन में आकाश का निर्माण हुआ, तीसरे दिन में पौधे और जंतु बने, चौथे दिन में सूर्य चंद्रमा और तारों का निर्माण हुआ, और पांचवें दिन में मछली और पक्षी बने, और लास्ट में सातवें दिन में मनुष्य का निर्माण हुआ। और इसका निर्माण किसने किया, विशिष्ट सृजन सिद्धांत आधार पर एक दैवीय शक्ति जिसको हम ईश्वर या भगवान कहते हैं, उन्होंने इसको उत्पन्न किया। थर्ड है
तीसरा सिद्धांत है जीवात्म जनन सिद्धांत। जीवात्म जनन सिद्धांत, इस सिद्धांत के मानने वाले वैज्ञानिकों ने कहा कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही हुई है या जीव पदार्थ से ही हुई है। जीवात्म जनन सिद्धांत, इस सिद्धांत को मानने वाले वैज्ञानिक क्या बताया बच्चों कि जीवों की उत्पत्ति जीवात्म या जीवन से ही हुई है। इसके लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेड्डी ने मांस के टुकड़े को पहले उबाल लिया या पका लिया और उसको पकाने के बाद तीन जार में रख दिया, दो जार को इन्होंने ढक दिया और एक जार को खुला छोड़ा। जो जार ढके हुए थे उसमें जब मक्खी नहीं पहुंच पाई तो वो अपने अंडे नहीं दिए और बच्चे उत्पन्न नहीं हुए। जो जार खुला हुआ था उसमें मक्खी अंदर चली गई और बच्चे उत्पन्न होने लगे। तो जीवात्म जनन सिद्धांत में वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से हुई है। चौथा है सिद्धांत ब्रह्मांडवाद। इस बात को मानने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि ब्रह्मांड में पहले से ही जीवों के बीजाणु या जीवाणु विषाणु उपस्थित थे, वो अचानक पृथ्वी पर आ गए और पृथ्वी पर आकर जीवन को उत्पन्न कर दिए या जीव बनाना शुरू कर दिए। तो ब्रह्मांडवाद में क्या बताया वैज्ञानिकों ने कि ब्रह्मांड में पहले से जीव थे, उनके बीजाणु थे जीवाणु और विषाणु के रूप में, जो किसी कारण से पृथ्वी पर पहुंच गए और पृथ्वी में पहुंचकर जुड़कर नए नए जीवों को निर्मित किया। पांचवा सिद्धांत लास्ट है आपका, इस सिद्धांत को प्रलयवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि समय समय पर पृथ्वी पर प्रलय आता है, पृथ्वी के सभी जीव जंतु पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, फिर पुनः जीवन प्रारंभ होता है। इसके लिए उन्होंने बताया कि जब पृथ्वी पूरी तरह समाप्त हो गई, उसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाते हैं, तब अकार्बनिक पदार्थ जैसे हाइड्रोजन जुड़ा ऑक्सीजन से तो जल बन गया, कार्बन जुड़ा ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन कार्बन जुड़ा हाइड्रोजन से मीथेन बन गया। इस तरह से कार्बनिक पदार्थ आपस में जुड़ जुड़कर धीरे 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 कोशिका बनाए, कोशिकाओं के जुड़ने से ऊतक, ऊतकों के जुड़ने से अंग, अंगों के जुड़ने से शरीर और नए जीव का निर्माण। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड कितने क्षेत्र तक फैला हुआ है, ब्रह्मांड की आयु कितनी है, सौर परिवार में सौर परिवार का मुखिया कौन है, सौर परिवार के ग्रहों के नाम बताना है आप लोगों को, इसके अलावा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत बताना है, पृथ्वी की उत्पत्ति किस गोले से हुई नोबुला से वो बताना है, पृथ्वी पर जीवन कब प्रारंभ हुआ और कहां प्रारंभ हुआ और पृथ्वी पर जीवन संबंधी सिद्धांतों को याद करना है। तो ये YouTube वीडियो आप लोग देखेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, अपना नाम जरूर सेट करेंगे। थैंक यू बेटा।